पाप कर्म के लिए मनुष्य को उकसाते हो और ये हम अपने राज्य में होने नहीं देंगे। किंतु ईश्वर के बनाए हुए विधान के विरुद्ध कैसे जा सकते हैं आप? एक दिन आखेट के लिए निकले तीव्र प्यास एवं श्रम से क्लांत हुए महाराज परीक्षित महान ऋषि शमीक के आश्रम जा पहुंचे। भले ही आप मुझे कोई सीमित स्थान प्रदान करें, किंतु आप मुझे अपने राज्य में रहने से वंचित नहीं कर सकते, अन्यथा आप काल धर्म का पालन ना करने के दोषी होंगे। उस समय ऋषि शमीक गहन ध्यान में लीन थे। समस्त कर्मेंद्रियों से उनका संपर्क टूट चुका था, अतः उन्हें राजा परीक्षित के आगमन के बारे में बोध नहीं हो सका। उचित है तो मैं तुम्हें चार ऐसे स्थान प्रदान करता हूँ जहाँ तुम अपना प्रभाव फैला सकते हो, जहाँ द्युत क्रीड़ा होती हो, जहाँ मद्यपान किया जाता हो, जहाँ वेश्यावृत्ति होती हो। प्रणाम ऋषिवर शमिक। राजन, तुम इस संपूर्ण क्षेत्र के राजा हो, प्रणाम तो इस ऋषि को करना चाहिए, किंतु प्रणाम तो दूर, इसने उत्तर तक नहीं दिया तुम्हारे प्रणाम का। एवं जहाँ हिंसा की जाती हो, इन चार कारणों से चार पाप, असत्य, मद, आसक्ति एवं निर्दयता जुड़े हुए हैं। जो भी मनुष्य ये चार प्रकार के पाप करेगा, तुम उसे अपने प्रभाव में ले सकते हो। क्या मुझे तनिक जल मिलेगा आपके आश्रम में? ये ऋषि अपमान कर रहा है तुम्हारा। शास्त्रों में राजा को भगवान के समकक्ष माना गया है। विडंबना तो यह है कि आपके राज्य में सभी धर्मात्मा हैं। चार पाप कर्म कोई भी मनुष्य नहीं करता, फिर कैसे और कहां वास करूंगा मैं? मुझे कोई अन्य स्थान दीजिए, जैसे स्वर्ण, जिसके साथ लालच का पाप जुड़ा है। और ये तुच्छ ऋषि उपेक्षा कर रहा है अपने राजा की। ऋषिवर, मैं राजा परीक्षित हूँ। मैं वन से भटकता हुआ क्लांत और क्षुधित आपके आश्रम में आया हूँ। स्वर्ण का लालच कभी भी समाप्त नहीं होता। दुहाई है आपको काल धर्म की। मुझे स्वर्ण में वास करने की अनुमति दे दीजिए। उचित है, मैं तुम्हें स्वर्ण का स्थान भी देता हूँ। जहाँ स्वर्ण होगा वहाँ तुम वास कर सकते हो। क्या मुझे तनिक जल और विश्राम मिलेगा? दृष्टता कर रहा है ये ऋषि। दंड मिलना चाहिए ऐसे ऋषि को तो। अपने ध्यान में इतना लीन है ये ऋषि कि अतिथि धर्म को भुला बैठा है। किंतु मेरे जीवित रहते तुम अपने अत्याचार के साम्राज्य का विस्तार नहीं करोगे। मुझे स्वीकार है धर्मात्मा। हाँ, ये अपने राजा, अपने भगवान का अपमान कर रहा है। दंड का अधिकारी है ये। हाँ, मैं दंड दूंगा इस ऋषिवर को। अपमान किया है इसने अपने राजा का। आओ राजन, आओ। स्वर्ण में मुझे स्थान देकर बड़ी भूल कर दी तुमने। अब केवल तुम ही नहीं, ये समस्त संसार मुझ कली के वश में होगा। अतिथि धर्म भुलाने वाले ये ऋषि शमिक पुष्प माला नहीं मृत सर्प माला पहनने योग्य है। मृत सर्प माला। धर्म मूर्ति राजा परीक्षित काल धर्म के वश में आकर ये भूल गए कि स्वर्ण तो उनके शीश पर भी है। देह के आभूषण स्वर्ण के हैं। कलयुग ने अपनी प्रथम चाल चल दी, जिसके वश में आकर राजा परीक्षित अपने जीवन की प्रथम एवं अंतिम भूल कर बैठे। उनकी इसी भूल ने कलि पुरुष को उन्हें सर्वत्र घेरने एवं उनके भीतर प्रवेश करने का अवसर प्रदान कर दिया। बस कलि को प्रतीक्षा थी कि कोई छोटा सा भी अधर्म हो जाए राजा से। ईश्वर लीला अनंत है। जो भी इस धरती पर आया है उसे अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है वो सदा अच्छे कर्म करे। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।